नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन आईपीओ के बारे में। जो अभी आईपीओ का सीजन है, ऐसे में बहुत सारे आईपीओ आपको अभी मिल रहे हैं, तो जिसमें से आप जो बेस्ट लगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम सारे जो अपकमिंग आईपीओ है अभी फिलहाल 10 से 15 दिन में उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें सिर्फ एक आईपीओ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब चर्चा में है, काफ़ी हॉट आईपीओ है, वह है मझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आईपीओ। दोस्तों सबसे बेहतरीन बात है कि ये हमारा एक गवर्नमेंट कंपनी है और जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि उसके सारे जो प्रमोटर्स है वो पीएसयू बैंक्स है, एलआईसी है, तो इसलिए वो भी एक गवर्नमेंट आईपीओ है जो यूटीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ है। और ये भी हमारा एक गवर्नमेंट आईपीओ है क्योंकि इसका भी प्रमोटर्स जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आईपीओ के बारे में जो डिटेल है 29 सितंबर को आएगा और 1 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड उसका भी सेम डेट है और ये हमारा बुक बिल्डिंग इश्यू आईपीओ है। इश्यू साइज आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा इश्यू साइज है 3,05,99,000 शेयर हमारा इसमें इश्यू होने जा रहा है और इसका जो कुल वैल्यू है 443 करोड़, तो काफ़ी बेहतरीन है। और ऑफर फॉर सेल, तो इश्यू का साइज 443 हो गया जिसमें ऑफर फॉर सेल हमारा इतना है, तो सारा का सारा मतलब ऑफर फॉर सेल ही है। और फेस वैल्यू इसका 10 होगा, आईपीओ का प्राइस जो होगा मात्र 145 रुपये होगा, तो काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि लो प्राइस का आईपीओ और अच्छी कंपनी हो तो ज़्यादा लिस्टिंग गेन हमें प्राप्त होता है। और नंबर ऑफ लॉट्स देख लीजिए 103 शेयर का है, मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी जो है 103 होगा आपका और अधिकतम आप 2,00,000 रुपये तक रिटेल कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। और बिड ऑफर 1 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, और इसका जो अलॉटमेंट होगा आपको 7 अक्टूबर को मिलेगा, तो अलॉटमेंट इसका आपको 7 को और रिफंड होगा 8 को, और जो हमारा शेयर होगा डीमैट अकाउंट में 9 अक्टूबर को आ जाएगा। आईपीओ जो होगा आपको लिस्टिंग 12 अक्टूबर को होगा। तो ये सारा आईपीओ का डिटेल है और इश्यू अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर 100% है और 15% इसमें से सेल हो जाएगा, तो आफ्टर दैट आईपीओ 85% हमारा प्रमोटर्स का होल्डिंग होगा। और ज़्यादा जानना है डिटेल में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल एसेट है इस कंपनी के पास लगातार इंक्रीज हुआ है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो मिलियन में है, मिलियन को 10 से डिवाइड कर देना है करोड़ में हो जाएगा, तब 598 करोड़ इसका प्रॉफिट था 17 में, और फिर यहाँ पर देख लीजिए 18 में ये थोड़ा सा प्रॉफिट घर के हो गया 496 करोड़, लेकिन यहाँ पर फिर 19 में देख लीजिए तो ये बढ़ करके हो गया 532, और यहाँ पर मार्च 2020 में ये फिर से हो गया हमारा घट करके 477 करोड़। तब प्रॉफिट में काफ़ी मतलब फ्लक्चुएशन होते रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो सारी बेहतरीन जो बातें हैं इसमें से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो आपको स्टॉक होगा वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से नहीं होगा, आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है उसमें लगातार फॉल और तेजी देखने मिलता है। जब तक कंपनी ग्रोइंग स्टेज में ना हो और जो सेक्टर हो वो काफी बेहतरीन होना चाहिए, जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी होगी, केमिकल सेक्टर की कंपनी होगी, उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में, लेकिन ये आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें, इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है, तो आपको जैसा पहले ही बोला कि डिफेंस जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इसका प्रमोटर्स है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट मुंबई एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड फाइनेंशियल पोजिशन, तो ये सारी बेहतरीन चीज़ें हैं। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो कंपनी के पास 795 व्हीकल है, इंक्लूडिंग 25 वॉरशिप है, 4 मिसाइल बोट है और 3 देखते हैं सबमरीन है, 6 देखते हैं लैंडर क्लास फ्रिगेट्स है और 3 गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स है और 3 यहां पर शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स है, 3 कॉर्वेट्स एंड 6 डिस्ट्रॉयर्स है। तो ये सारे मतलब डिफेंस के लिए बनाती है ये शिपयार्ड, तो जो कि हमारा डिफेंस में यूज किया जाता है, तो काफी बेहतरीन आईपीओ है। आप चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट हमारा न्यूट्रल भी रहा, स्टॉक मार्केट में कोई गिरावट नहीं आती है, तो निश्चित है कि आपको जबरदस्त लिस्टिंग गेन प्राप्त होगा। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है, गिरावट आती है, तो फिर आपको इसमें लिस्टिंग गेन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सारी चीजें सोच करके फिर आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।